लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव जिला निर्वाचन ने आज से 85 आयु वर्ष के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की शुरुआत कर दी है, जो दो दिनों तक चलेगी। राजनांदगांव संसदीय सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। जिला होम वोटिंग प्रभारी एवं अपर कलेक्टर CL मार्कंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ऐसे मतदाता जो कि बुजुर्ग 85 साल के ऊपर हैं और दिव्यांग हैं, उन्हें मतदान केंद्रों में पहुंचने में असुविधा होती है, ऐसे मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान करने की पहल की गई है। विधानसभा राजनांदगांव, डूंगरगांव, डूंगरगढ़ और खुज्जी राजनांदगांव जिले के चारों विधानसभा में टोटल 212 ऐसे जो मतदाता हैं जिनको घर में जाकर के हमारे मतदान दल वोट करवाएंगे, उसके लिए आज 18 दल पोलिंग पार्टी रवाना किया जा रहा है। और ये सभी पोलिंग पार्टी जो है विधानसभा वार राजनांदगांव में 7 दल है, डूंगरगढ़ में 7 दल है, आपके खुज्जी में 2 दल है और डूंगरगांव में 2 दल है, ऐसे 18 दल यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये उनको रूट चार्ट दे दिया गया है, मतदाताओं का नाम दे दिया गया है, रूट दे दिया गया है, साथ में सभी दल के साथ में ऑब्जर्वर भी है और पुलिस के अधिकारी भी है, वीडियोग्राफर है और पूरी पारदर्शिता के साथ में ये वोटिंग की कार्यवाही कराई जा रही है। होम वोटिंग के लिए मतदान दल आज जिले के फरहत गांव पहुंचा, जहां बुजुर्ग महिला केकतीबाई पटेल ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब उन्हें वोट डालने के लिए लाइन लगने की जरूरत नहीं है। वोटिंग आए नहीं हमारे घर में, हमारे से सब सुविधा है, हम लोग लाइन लगे थे, कोई जरूरत नहीं है, हम अच्छा लगी